नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की न्यूज। खबर सुपौल से है। सुपौल जिले के पीपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशपुर में दो लड़कियां फातिया ग्राम निवासी राघोपुर कॉलेज से अपने घर वापस आ रही थी। रास्ते में महेशपुर से तीन युवक पल्सर बाइक से पीछा करते हुए फातिया महेशपुर के बीच में एक पुलिया के समीप घेर लिया, उनके साथ छेड़खानी करने लगे और अपहरण की नीयत से जबरन बाइक पर बैठाने का प्रयास करने लगे। लेकिन लड़कियों के द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने लड़कियों के साथ बेल्ट से मारपीट करने लगे। तभी लड़कियों के शोर मचाने पर बगल में मवेशी चरा रहे लोगों के द्वारा किसी तरह लड़कियों की जान बचाई गई। हालांकि पीड़िता ने एक की पहचान अशोक यादव जीवछपुर निवासी के पुत्र नीतीश कुमार के रूप में की है। वहीं दूसरे की भी चेहरा को पहचानने की बात लड़कियों ने कही है। हालांकि इस संबंध में थाना अध्यक्ष पीपरा बाइट देने से कतराते दिखे। ऐसा हुआ कैसे हुआ? नहीं हुआ बताओ। हम लोग महेशपुर से आ रहे थे, उधर से दोनों लड़का बाइक लेकर के आए, बाइक रो दिए। रिचा को बोले कि चलो घर तक छोड़ देते हैं, तो रिचा बोले कि हमको नहीं जाना, आप अपने काम से काम रखिए। तो रिचा वो लोग चले गए वापस। उधर से फिर आए तो तुम एस्पोरिया रहे हो? तो रिचा बोले कि ना हमको एस्पोरिया रहना है, अपने काम से काम रखिए। वो लोग आए उधर से, रिचा पे दो तीन बेल्ट दिए, वो लोग उधर चल गए। उसके बाद कुछ लोग गाय चराने वाला रिचा को बचाए, वो लोग भाग गए उधर से बाइक लेकर के। लड़का तो तीन को एक जगह रहे थे, एक फिर उधर नहीं गए और दो फिर पाखेर गैस के पास रुक ले दोनों लड़का। और एक बार फिर पुल्ला लंग रुक ले। एक बार हम सभी इधर लिए तो हमारा सब कहे चलो गाड़ी पे हम तुमको घर छोड़ देते हैं। हम कहे नहीं जाएंगे, आप अपने काम से काम रखिए। कहे तुम एसोरिया रहे हो? हम कहे हम कुछ भी है, आप अपने काम से काम रखिए। एक बार फिर चल गए और उधर से घूम के अले, फिर कहे तुम एसोरिया रहे हो? मार ले और एक बार कहे एसोरिया रहे हो तुम? हम कहे कुछ भी, अपने काम से काम बोले थे ना रखने के लिए। और एक बार ये सब बचल के तब यहाँ सब कहल की ओकर बेटा छे, तब घर फोन कर लिए। क्या सब बचल के गाय चरबे वाला सब जे रहे और दो तीन को लड़का रहे वो सब बोल रहे। ककर बच्चा रहे? अशोक यादव के। अशोक यादव के कोई छेड़खानी करते रहे सा ना कहे के मतलब बताइए यहाँ क्या मामला हुआ? यहाँ छेड़खानी हुआ था लड़की के साथ। ये लोग जा रही थी बाइक से, आया दो लड़का, वो कह रहा था कि बाइक पे बैठो। ये लोग कही कि नहीं हम लोग वैसे चले जाएंगे बातचीत करते हुए। कहाँ से आ रही थी? कॉलेज से, पीपरा कॉलेज से। अच्छा, इसको कहाँ छेड़छाड़ की? पाखर से पूरा महेशपुर चौक से 500-700 मीटर की दूरी पर है पुलिया छोटकर से, उसी पुलिया के पास होता है ये घटना। बराबर की घटना है, प्रत्येक सप्ताह कुछ न कुछ वहाँ अनहोनी होते रहता। अच्छा सर, ये जो लड़की है वो कौन लगता है आपको? मेरी बड़ी बच्ची है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? चंद्रमोहन ठाकुर। घर? फसिया। वार्ड नंबर कितना है? 6। प्रशासन यहाँ आया तो प्रशासन क्या आपको आश्वासन? प्रशासन बहुत विलम्ब से आया यहाँ। प्रशासन को जब सूचना दिए उसके लगभग पौने घंटा के बाद प्रशासन वहाँ पहुँची। अच्छा, 500 मीटर की दूरी पे यहाँ फाड़ी है, लेकिन फाड़ी ऑन करने के बाद भी लोग लगभग पौने घंटा के बाद पहुँचा। एक मिनट धीरे, तीनों टाइम तो गश्ती नहीं कर रही है। हाँ, ऐसी जानकारी हुआ तो हमको आना चाहिए। बगल में खून हो रहा, हम एप्लीकेशन देने जाएंगे। कपड़ा उपड़ा पहनने थोड़ा सा नहीं लगा? आधे पौने घंटा बहुत ज्यादा होता है। जब आप सरकारी नियम है, हम अपना पदाधिकारी से पता करते हैं क्या होना चाहिए। यहाँ तो कोई पदाधिकारी नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे किस चीज के लिए हैं? आप लोग यहाँ पे किस चीज के लिए हैं? हम लोग यहाँ विधि व्यवस्था जो विशेष, ये विधि व्यवस्था के ही अंतर्गत आता है ना? विधि व्यवस्था के अंतर्गत आता है, हम आए कि नहीं आए वही चीज तो। कब आए? मेरा बगल का चौकी जब एक घंटा में आएगा तो थाना कब आएगा? आएगा थाना। आप बोल रहे हैं एप्लीकेशन, अरे वो तो बात की प्रोसेस है, लेकिन फर्स्ट आप आके प्लॉट देखिएगा। अगर बोल गया तो हर चीज को समझना पड़ता है उसके बाद। आप अगर क्या हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार। आप किस पद पर है अभी? हम लोग कांस्टेबल है। कांस्टेबल है जी। महाजन